गॉड गाइस, मैं अभी देखा सलार मूवी का एडवांस बुकिंग वगैरह किस तरह से चल रहा है, क्या क्या माजरा है एक्चुअली यूएसए का, यूके का बोल करके। भाई साहब क्या तबाही है यार, ये क्या तबाही है। देखो जब 28 सितंबर से फिल्म पोस्टपोन्ड होकर के 22 दिसंबर तक गया, मतलब 28 सितंबर को जब पोस्टपोन्ड हुआ ना फिल्म, उस टाइम पे जब फिल्म रिलीज नहीं होगा बोल करके जब हमें पता चला। ओके, तो हम क्या सोच रहे थे, मैं खुद भी बोल रहा था आप लोगों की, भाई ये जो 28 सितंबर रिलीज डेट है, इससे अच्छा रिलीज डेट सलार मूवी के लिए कोई हो ही नहीं सकती। ये बहुत अच्छी रिलीज डेट थी, और जिस तरह का प्रीसेल्स वगैरह देखने को मिला था ओवरसीज में, यूएसए में, जिस तरह के मतलब जो एडवांस बुकिंग वगैरह चल रहा था, ऐसा फिर होगा नहीं होगा, इस तरह की तबाही हमें फिर से देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा बोल करके मैंने एक वीडियो बनाया था। बहुत सारे भाई लोग ऐसे कह रहे थे, हम सब लोग सोच रहे थे भाई ऐसा। ओके, लेकिन अभी जो प्रीसेल्स देखने को मिला है, अभी जो एडवांस बुकिंग वगैरह देखने को मिला है ना गाइस, वो 28 सितंबर के रिलीज डेट में जो तबाही उठा था, वो तबाही कुछ भी नहीं है अभी जैसा उठा है, एकदम से तूफान तबाही जबरदस्त। भाई साहब देखो, 28 सितंबर को जब एडवांस बुकिंग शुरू हुआ था, उस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत सारे महंगे शो जैसे कि आईमैक्स शो हो गया, एचडी शो हो गया, इसका भी एडवांस बुकिंग वगैरह जो है वो शुरू हो चुका था उस टाइम पे। बिफोर 34 डेज की मैं बात कर रहा हूँ, बिफोर एक मंथ हम कह सकते हैं, एक महीने की मैं बात कर रहा हूँ, एक महीने पहले से जो हमें $100K तक देखने को मिला था 28 सितंबर के टाइम पे, उस टाइम पे बहुत सारे महंगे शोज के भी एडवांस बुकिंग जो है वो शुरू हो चुके थे, आईमैक्स शो का, एक्सडी शो का, बहुत सारे एडवांस बुकिंग, बहुत सारे एडवांस शोज, बहुत सारे महंगे शोज। आपको पता है कि सलार मूवी को बहुत सारे एडवांस वर्सन में फिल्म को रिलीज किया जा रहा है, इसका साउंड क्वालिटी बहुत जबरदस्त होगा, इसका वीडियो क्वालिटी बहुत जबरदस्त होगा, ऐसे करके एक अपडेट आया था कौन कौन से मतलब वर्षन में फिल्म को रिलीज किया जा रहा है बोल करके, बहुत एडवांस वर्षन में। मैं उसको लेकर के भी एक वीडियो बनाया था, आप देखे होंगे 28 सितंबर के रिलीज टाइम के दौरान, जब प्रथम गिरा सिनेमा की तरफ से हमें ये अपडेट मिला था, उस टाइम पे मैं बनाया था। तो बहुत सारे एडवांस वर्षन में फिल्म को रिलीज किया जा रहा है, तो उसका जो मतलब एडवांस बुकिंग वगैरह है जो वो शुरू नहीं हुआ है अभी, उस टाइम पे शुरू हो चुका था और अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बिफोर 34 डेज $100K से ज्यादा तक की एडवांस बुकिंग हो चुका है, जरा सोचो। तो 28 सितंबर में जो 28 सितंबर के रिलीज डेट के साथ सलार मूवी का एडवांस बुकिंग का जो तबाही देखने को मिला था, जो तूफान देखने को मिला था, वो तूफान से अभी की तूफान जो है और भी ज्यादा खतरनाक है, और भी ज्यादा खतरनाक है। तो हम लोग गलत थे भाई, हम लोग गलत थे कि 28 सितंबर ही सलार मूवी के लिए एक अच्छा डेट है बोल करके। सलार मूवी जब भी रिलीज हो जाएगा ना, वो रिलीज डेट उसके लिए अच्छा ही है, उसके लिए अच्छा ही है, क्योंकि फिल्म का क्रेज उतना है और फिल्म के लिए लोग इतना भूखे हैं कि भाई साहब हमें सलार देखनी है। 2020 से हम ढूंढ रहे थे कि भाई साहब बाहुबली और केजीएफ जब मिल जा रहा है ना, तो ये सब कुछ तबाह करके रख देगा, ये कन्फर्म है। हम बस सोच रहे थे कि 28 सितंबर अच्छा है, ये अच्छा नहीं होगा, वो अच्छा नहीं होगा, भाई जो भी रिलीज डेट को ये चुनता ना, वो रिलीज डेट उसके लिए अच्छा हो जाता है, क्योंकि फिल्म अच्छी है। क्योंकि फिल्म में वो दम है, दिख रहा है, लोगों का क्रेज दिख रहा है। अभी हम बात करते हैं इसकी एडवांस बुकिंग के बारे में। देखो डे वन मतलब जब से ये एडवांस बुकिंग वगैरह शुरू हुआ, उस दिन शायद 600 या 700 शो में एडवांस बुकिंग शुरू हुआ था, यही कुछ $4,000 से ज्यादा तक की एडवांस बुकिंग वगैरह देखने को मिला था, ऐसा कुछ हुआ था। ज्यादा ये नहीं हुआ था, लेकिन दूसरे दिन 24 आवर्स के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स के अंदर जो जंप देखने को मिला है, जो जिस तरह का मतलब बढ़ोतरी देखने को मिला है ना, जब फिल्म रिलीज हो जाता है, लोग फिल्म को देख रहे होते हैं, उस टाइम पे ऐसा देखने को नहीं मिलता। लेकिन एक इंडिया की फिल्म मतलब यूएसए में मतलब ओवरसीज में इस तरह से देखने को मिला है, ये एक तबाही वाली बात है यार, जो कि 24 आवर्स के अंदर, 24 आवर्स के अंदर $76,000 तक का एडवांस बुकिंग हुआ है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 107 लोकेशन होगा, यही कुछ 352 मतलब 352 तक की शोज होंगे। और टिकट्स बहुत सारे हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है थोड़ा सा, मैं जहां पे देखा हूँ मतलब बहुत टिकट ये सोल्ड आउट हुए हैं बोल करके, इस तरह के कलेक्शन देखने को मिला है, एडवांस बुकिंग देखने को मिला है, जो कि 76,000 से ज्यादा तक की, $76,000 से ज्यादा तक की एडवांस बुकिंग जो है 24 आवर्स के अंदर देखने को मिला है। और अभी अगर हम टोटल की बात करें कि अभी तक कितना एडवांस बुकिंग हो चुका है, प्रीसेल्स वगैरह कितना अभी तक हो चुका है बोल करके, तो यूएसए का और यूके का अभी अपडेट आया है, जो कि यूएसए का $82,000 से ज्यादा तक के हुआ है, और यूके का हुआ है $32,000 से ज्यादा तक के, जो कि दोनों
डॉलर को मिला देने से यही कुछ तकरीबन 120 के डॉलर तक हो जाता है। भाई साहब सोचो जरा, बिफोर 34 डेज क्लैश के साथ एक ओवरसीज का फिल्म, एक इंडिया का फिल्म, दोनों फिल्म एकदम से जबरदस्त। एक तो सीक्वल है और एक तो भाई साहब ड्रीम कास्ट, मतलब शाहरुख खान जैसा हीरो जो कि 1-1000 का दो दो फिल्म अभी दे चुका है, उसका डंका बज रहा है अभी, और राजकुमार हिरानी इतने सालों के बाद आए हैं, कौन सा कंटेंट लेके आएंगे क्या, मतलब क्लैश बहुत जबरदस्त है उसके साथ भी, लेकिन फिर भी इस तरह का तबाही देखने को मिला है। तो भाई साहब मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि बिफोर 34 डेज इस तरह का एडवांस बुकिंग अगर हमें देखने को मिल रही है, इस तरह का एडवांस बुकिंग, इस तरह का प्रीसेल्स देखने को मिल रही है, तो जब इसका ट्रेलर आएगा, जब प्रॉपर तरीके से, पहली बात तो ये है कि जब प्रॉपर तरीके से एडवांस बुकिंग शुरू हो रही है, परसों से शायद हो रही है, 20 नवंबर से इसका जब एडवांस बुकिंग प्रॉपर तरीके से शुरू होगा, तो उस टाइम पे और कैसा नंबर देखने को मिलेगा, जब महंगे महंगे शोस में इसकी मतलब एडवांस बुकिंग शुरू होगा, आईमैक्स वर्सन में, एचडी वर्सन में, ये सारे वर्सन में जब शुरू होगा, तो इसका टिकट प्राइस और भी ज़्यादा है, तो जब इसका एडवांस बुकिंग शुरू होगा तो और कितना बड़ा नंबर हमें देखने को मिलेगा। और अगर बिफोर 34 डेज इस तरह के तबाही मचा रहा है तो डे वन कलेक्शन कितना जबरदस्त होगा, जब ट्रेलर आएगा इसका और भी सारे आउटपुट वगैरह आएंगे, प्रमोशन और भी तगड़े तरीके से होगा, मेकर्स खुद सामने आ करके प्रमोशन करेंगे, तो उस टाइम पे एडवांस बुकिंग और कितना ज्यादा होगा और डे वन कलेक्शन का पोटेंशियल कितना बढ़ गया है, जरा सोचो। तबाही है मेरे भाई, तबाही है भाई साहब। डे वन कलेक्शन ना बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाली। मैंने अपने पिछले वीडियो पे बता रहा था आपको कि इंडिया में भी इसका जो टिकट प्राइस है वो बढ़ा दिया जा रहा है, बहुत सारे जगहों पे, स्पेशल जगहों पे जहां पे भीड़ ज्यादा इकट्ठा होता है, ऐसा कुछ है, जो ट्रिपल आर के साथ हुआ था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तो भाई साहब टिकट प्राइस बढ़ रहे हैं, लोकेशन बढ़ रहे हैं, शोज बढ़ रहे हैं, प्रीमियर शो है, और इस तरह की तबाही, इस तरह की प्रीसेल, इस तरह की एडवांस बुकिंग चल रही है, लोगों के मन में क्रेज है, तो भाई साहब क्या होगा, इसका किस तरह का कलेक्शन होगा, कौन सा रिकॉर्ड बचेगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि डे वन कलेक्शन सलार मूवी का अभी आपके हिसाब से कितना होने वाला है, जरूर कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।